हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूजर ऐड और ऐड यूजर कमांड के द्वारा हम लोग किसी भी यूजर को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग पास डब्ल्यू डी और शेडो फाइल के अंदर कैसे चेक करते हैं, और रूट यूजर की होम डायरेक्टरी हमने डिस्कस की, और जब हम लोग कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने रूट होम डायरेक्टरी के अंदर भी देखी। तो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग यूज करने वाले हैं दोस्तों, यूजर की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए यूजर मोड कमांड कैसे यूज करते हैं, और अगर आप किसी भी यूजर को डिलीट करना चाहते हैं तो यूजर डेल कमांड कैसे यूज करते हैं। तो इन दोनों कमांड को यूज करने के लिए अगेन मैं अपनी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर चलता हूं। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे विशु की इंफॉर्मेशन फिल्टर कराई थी ग्रैप कमांड के द्वारा पास डब्ल्यू डी फाइल से, और आप यहाँ पर देख सकते हैं विशु, और मैं यहाँ पर प्रीत की इंफॉर्मेशन भी ग्रैप करता हूँ। देखो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशु यूजर को आपने कोई भी फुल नेम असाइन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो ब्लैंक आया हुआ है, लेकिन आपने प्रीत यूजर को फुल नेम असाइन किया हुआ है तो यहाँ पर आप उसका फुल नेम देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अगर आप किसी भी यूजर को फुल नेम असाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों, उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे यूजर मोड, यानी कि यूजर मोडिफिकेशन स्पेस हाइफन सी यूज करेंगे। हाइफन सी कमेंट के लिए यूज किया जाता है, कमेंट यानी कि फुल नेम स्पेस जो भी आप विशु यूजर को फुल नेम असाइन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर विशु मलिक करना चाहता हूं, तो इसको दोस्तों मुझे, क्योंकि इस नेम में स्पेस आया हुआ है, तो मुझे इसे यहां पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर यूज करना पड़ेगा। स्पेस यूजर नेम, जिस भी यूजर को आप फुल नेम असाइन करना चाहते हैं, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा, और आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। कंफर्म करने के लिए आप यहां पर ग्रैप कमांड यूज कर सकते हैं पास डब्ल्यू डी के अंदर डेटा फिल्टर करने के लिए। और दोस्तों, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे यूजर को फुल नेम असाइन हो चुका है यूजर मोड कमांड के द्वारा। इसके बाद दोस्तों, अब अगर आप किसी भी यूजर की लॉगिन शेल चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, अब अगर आप लॉगिन शेल चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर वापस यूजर मोड कमांड को ही यूज करूंगा। लॉगिन शेल के लिए हम लोग यहाँ पर हाइफन एस यूज करते हैं दोस्तों। तो यूजर मोड स्पेस हाइफन एस स्पेस जो भी आप शेल डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि रूट एसपिन के अंदर नो लॉग इन, ठीक है। तो अभी जो है विशु यूजर की आप लॉगिन शेल देख सकते हैं, रूट के अंदर बिन के अंदर बैश होती है उसके। अब मैं यूजर मोड कमांड यूज करना चाहता हूं, यानी कि विशु यूजर की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना चाहता हूं। अब मैं विशु यूजर की लॉगिन शेल जो है रूट पार्टीशन के अंदर एस बिन के अंदर नो लॉग इन करना चाहता हूं। दोस्तों, नो लॉग इन करने का एडवांटेज ये होता है कि विशु यूजर जो है वो इस मशीन से लॉगिन नहीं हो पाएगा।
अगर आप किसी भी यूजर की लॉगिन शेल चेंज कर देते हो तो वो यूजर इस मशीन से लॉगिन नहीं हो पाएगा। टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा और दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। कंफर्म करने के लिए अगेन हम लोग ग्रेप यूज करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विशु यूजर की लॉगिन शेल जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है। अब अगर आप किसी भी टर्मिनल पर जाकर विशु यूजर से लॉगिन करना चाहें तो मैं यहाँ पर एक टर्मिनल पर चला जाता हूँ और विशु यूजर को लॉगिन करने के लिए कोशिश करता हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विशु यूजर जो है वो लॉगिन नहीं हो पाया और आप यहाँ पर किसी अनदर यूजर को लॉगिन करके देख सकते हैं और वो सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है, लेकिन विशु यूजर जो है दोस्तों वो लॉगिन नहीं हो पाया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, वापस अगर आप उस यूजर की लॉगिन सेल दोबारा से वही सेट करना चाहते हैं जो डिफॉल्ट थी तो उसके लिए आप यहाँ पर अगेन यूजर मोड कमांड यूज करेंगे, रूट के अंदर बिन के अंदर बैश, तो ये कमांड हम लोग यूज करेंगे। टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। फिल्टर करने के लिए अगेन आप ग्रेप कमांड यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजर की लॉगिन शेल जो है वो चेंज हो चुकी है। दोस्तों अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से विशु यूजर को लॉगिन करना चाहूँ तो यहाँ पर यूजर नेम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा और पासवर्ड। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विशु यूजर जो है अब सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। वापस टर्मिनल पर ही चलते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग किसी भी यूजर को मॉडिफाई करने के लिए, यूजर की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूजर मोड कमांड यूज करते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप किसी भी यूजर को रीनेम करना चाहते हैं, दोस्तों किसी भी यूजर को रीनेम करने के लिए भी हम लोग यूजर मोड कमांड ही यूज करते हैं, जैसे कि यूजर मोड स्पेस हाइफन एल यूज कीजिएगा रीनेम करने के लिए, स्पेस न्यू नेम, जैसे कि मुझे विशु यूजर को विशेष में रीनेम करना है तो आप यहां पर सबसे पहले न्यू नेम असाइन करेंगे। एक सेकेंड, VISHESH विशेष स्पेस ओल्ड नेम, तो मुझे विशु को रीनेम करना है विशेष के अंदर। टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि यूजर विशु इज करंटली यूज बाय द प्रोसेस। ओके, तो विशु यूजर जो है वो किसी ना किसी टर्मिनल से दोस्तों लॉगिन है अभी, तो उसको कंफर्म करने के लिए मैं एक बार, हाँ ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से मैंने विशु यूजर को लॉगिन किया हुआ है। तो अगर आप किसी भी यूजर को रीनेम करना चाहते हैं तो उसको आप सभी टर्मिनल से लॉग ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है, वरना आपको ये आपको मैसेज डिस्प्ले होगा। तो वापस मैं दोबारा से कमांड एक्सिक्यूट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने उस टर्मिनल से इसको लॉग ऑफ कर दिया है। टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। अगेन किसी ना किसी और टर्मिनल पर भी विशु यूजर लॉगिन है, ये भी देख सकते हैं, इससे भी मैं लॉग ऑफ कर लेता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ एक बार सभी टर्मिनल से कंफर्म कर लेता हूँ कि कोई यूजर लॉगिन तो नहीं है। अब किसी भी टर्मिनल से विशु यूजर लॉगिन नहीं है तो वापस यूजर मोड। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यूजर मोड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। कंफर्म करने के लिए दोस्तों मैं यहां पर ग्रेप कमांड यूज करूंगा। अब मैं विशु को एंटर की प्रेस कीजिएगा आप यहां पर, और अब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों विशु यूजर का नेम जो है अब विशेष में आ चुका है। ये अभी ये विशेष को फुल नेम अभी वही रहेगा क्योंकि फुल नेम दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा और लॉग इन शेल भी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग किसी भी यूजर को रीनेम भी कर सकते हैं यूजर मोड कमांड के द्वारा।
अब दोस्तों अगर आप किसी भी यूजर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं यूजर डेल कमांड, यूजर डेल स्पेस जिस भी यूजर को आप डिलीट करना चाहते हैं या कल्टी मारना चाहते हैं उसका नेम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजर जो है वो डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर को मैनेज करने के लिए यूजर एड, यूजर मोड और यूजर डेल कमांड यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एड यूजर कमांड भी आपके साथ में डिस्कस की है। एक अनदर कमांड होती है यूजर को क्रिएट करने के लिए और पास डब्ल्यू डी कमांड भी हम लोगों ने डिस्कस की। और इन सभी डायरेक्टरी एंड फाइल्स के अंदर जाकर हमने यूजर्स की इंफॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं ये भी दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो